हेलो दोस्तों, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंटिन्यूस टेंसेस. व्हाट टाइप ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस वी आर गोइंग टू रीड? एक्टिव फॉर्म इनटू पैसिव. हाउ टू मेक एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसका आज हम कंटिन्यूस टेंस. पिछली वीडियो में मैंने आपको इनडेफिनिट टेंस बताया था, आज मैं आपको कंटिन्यूस टेंस बता रहा हूँ. और कंटिन्यूस टेंस तीन कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस. अब जब बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो पैसिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने आप ऑलरेडी लिख दिया इसको, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग होती है. इज आर एम तो होती है, लेकिन उसमें बीइंग जोड़ देते हैं. और इसका यूज कैसे होता है? जैसे इज आर एम का होता है, ऐसे ही इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का होता है. आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी दिया है कि इज बीइंग का यूज किस किस के साथ होता है. ही, सी, इट और जो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है उसके साथ होता है. आर बीइंग का यूज किसके साथ होता है? वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ. और एम का प्रयोग, एम इज ऑलवेज कनेक्टेड टू आई, हाँ, तो एम का प्रयोग किसके साथ? एम बीइंग का, आई के साथ. ठीक है, उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूस. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव की होती है वो होती है वाज बीइंग और वर बीइंग. इसका भी यूज देख लेते हैं. यदि सब्जेक्ट हमारा आई है, ही है, सी, इट और कोई सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ हम वाज बीइंग का यूज करते हैं. यदि कोई प्लूरल नंबर का है और वी है, यू है या दे है तो उसके साथ हम वर बीइंग का यूज करते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, केवल 8 टेंसेस होते हैं. देयर आर ओनली 8 टेंसेस विच आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस. केवल पैसिव वॉइस में उन्हीं के सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जा सकता है. बाकी जो 4 होते हैं उनमें से फ्यूचर कंटिन्यूस इज वन ऑफ देम. उनमें से एक है जो कि नहीं बदला जाता है, एक्टिव से पैसिव उसमें नहीं होता है. तो केवल 2 कंटिन्यूस कौन कौन से हुए? प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फिर से मैंने स्ट्रक्चर लिखा है कि शुरू में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा? ही इज कॉलिंग मी टूडे. तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा कि इस मी को हम किस में बदल देंगे? आई में इसका सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं. और आई को मी में और मी को आई में मैंने यहाँ पर ही लिख दिया आपको. और अस को वी, वी को अस में, ऐसे ही यू को यू ही रहता है, ही को हिम, हिम को ही, सी को हर, हर को सी, दे को देम और देम को दे में, और हु को हु में चेंज करते हैं. तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एम बीइंग आएगी. उसके बाद में फिर वर्ब है ये है, और इस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल्ड. उसके बाद में फिर ये जो अदर वर्ड्स हैं इसको बाई से पहले भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं. तो हमने पहले रख दिया यहाँ पर टुडे, और बाई मी को किस में, ही को किस में चेंज कर दिया? हिम में. अब इसका यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? एम बीइंग, हाँ, कहने का मतलब इज, एम, आर या वाज वर्ग के बाद में नॉट का यूज कर देते हैं. इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग. ठीक है, इसके बाद में फिर हम यदि इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा हमारा. अभी मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं. इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जांपल होगा जैसे कि वर्ब यू राइटिंग ए पोयम. तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में आएगी. इसका मतलब क्या है कि हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. तो ए पोयम, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की आएगी. तो एक हिस्सा तो पहले वॉज ए पोयम बीइंग. वर्ब क्या है? राइट. उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन. नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई और यू को यू में ही चेंज रहने देते हैं, यू का यू ही रहता है. इसके बाद में यदि ये सेकंड टाइप होता है, ये तो हमारा अब तक फर्स्ट टाइप था. कौन सा था? फर्स्ट टाइप. अब सेकंड टाइप होता है तो इससे पहले क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है. हाँ, क्वेश्चन वर्ड का मतलब
प्रश्नवाचक शब्द। अब मान लो हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे वाई वर यू राइटिंग ए पोएम, वेन वर यू राइटिंग ए पोएम, तो केवल इससे पहले भी हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। हम वाई लगा सकते हैं, वैन लगा सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसके बाद में हमने हु वाला एक सेंटेंस शुरू में बताया था आपको, जैसे कि हु वाज टीचिंग यू, तो हु को किसमें चेंज करते हैं हम, स्ट्रक्चर पहले लिखा था बाई हुम, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आएगा वर एक हिस्सा पहले एक हिस्सा सब्जेक्ट के बाद में, वर यू बीइंग और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई हुम वर यू बीइंग टॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने आपको थोड़े से सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा भी होगा। यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश नहीं करूँगा, पूरी तरह से सॉल्व करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।